इसमें क्या हो रहा है, ये एक वेसल है जिसमें प्रेशर P1 है, राइट, और टेम्परेचर T1 है। हम इसको केल्विन में लिख रहे हैं, T1 का मतलब 27 प्लस 273, और यहां वैक्यूम था, हाँ यहां वैक्यूम था, राइट। फिर हमने क्या किया, यहां पे एक लगा रखा है जो कि डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस आने पे वॉल्व खुलता है और उधर से उधर गैस जाती है, राइट। अब हम इनको गर्म कर रहे हैं, इसको भी गर्म कर रहे हैं, इसको भी गर्म कर रहे हैं, बट मुद्दा यह है कि जैसे ही आप इसको गर्म करोगे व्हाट विल हैपन, इसका प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ के वो डेल्टा पी के बराबर होगा, जैसे ही बराबर होगा वॉल्व खुल जाएगा और इधर जो गैस थी लीक करके उधर जाएगी। जैसे ही यहां से गैस लीक करके वहां गई वैसे ही डिफरेंस कम हो जाएगा और वॉल्व बंद हो जाएगा, लेकिन अगले ही मोमेंट पे फिर खुल जाएगा, तो हमेशा खुलता खुलता बंद, खुलता खुलता बंद होता रहेगा, राइट। तो जिस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं वहां पर यदि हम बोले कि यहां पर प्रेशर अभी P1 है, तो यहां पर प्रेशर P1 माइनस डेल्टा पी, यहां टेम्परेचर T2 और यहां पे भी टेम्परेचर T2, और वॉल्यूम इनकी शायद दे रखी है इक्वल है या कुछ, हाँ इक्वल है। तो यहां इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स होते थे P1 V0 by RT1। अभी यही नंबर ऑफ मोल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो दैट वुड बी P1 V0 by RT2 प्लस P- माइनस डेल्टा पी V0 by RT2। क्या निकालना है हमें, P1 निकालना है, निकल जाए वही निकलेगा जो इन्होंने बोला है, रोडो जी ने वही आया। मिक्सचर का वॉल्यूम वेसल का वॉल्यूम होगा, ये बात शायद बताओ, लेकिन जब हम प्रेशर लिखेंगे तो इंडिविजुअली दोनों का सम होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल भी जाके टक्कर मार रहे होंगे, उसके मॉलिक्यूल भी टक्कर मार रहे होंगे, ये बात पता है कि नहीं पता है, हाँ पता है ना। कथा कहानी वहां पर रेजोनेंस में कितनी तक कथा कहानी चलती है, आज शाम को